हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला करेला, जो मैं भर के नहीं बनाऊंगी। आमतौर पे तो सब कोई भर के बनाते हैं, पर मैं आज कट करके बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने फ्रेश आधा किलो करेला ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले ही धो लिया है, तो आपको भी पहले अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें अभी कलर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको पहले भिगो के रखना है और अच्छे तरीके से सफाई से धो लेना है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। पहले हम इसके दोनों सिरों को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम दोनों सिरे को काट लेंगे। इसके बाद हमें इसे छिलके उतार लेना है। इससे क्या होता है कि कड़वापन कम होता है, कड़वा कम लगता है, ना के बराबर। तो इस तरीके से छिलके उतार लेना है। इसके बाद हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। अगर बीज ज्यादा मोटा हो तो आपको निकाल लेना है। तो इसका बीज थोड़ा सा पका हुआ है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और इस तरीके से कट कर लेना है। और एक दिखा दे रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से बीज को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे करेले को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सारे करेले को मैंने काट के इस तरीके से तैयार कर लिया है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ करेले का मैंने बीज छोड़ दिया है जो पका नहीं है। देखिए, इस तरीके से आराम से टूट जा रहा है, तो उस तरीके का बीज मैंने छोड़ दिया है, इसको निकाला नहीं है। और जो पके हुए थे उसको इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, एक बड़ा सा इस तरीके का कोई भी कटोरा, बाउल, कुछ भी आप ले सकते हैं। सारे करेले को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो फ्रेंड्स, एक चम्मच भर के मैं इसमें लूंगी नमक। देखिए, इस तरीके से आपको फैला देना है नमक को और अपने हाथों की मदद से इस तरीके से इसे मिक्स कर देना है। अगर आप इस तरीके से करेला बनाते हैं ना, जो बच्चे भी नहीं खाते करेला, वो भी खाएंगे। तो इस तरीके से सारे करेले को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, ऐसा ना कि हाँ ऊपर से मिक्स किया और अंदर नीचे से वैसा ही छोड़ दिया। आपको चारों तरफ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे करेले में नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही लेना है, ऐसा ना कि ज़्यादा ले ले तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे तक, नमक मिक्स किया हुआ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाले के लिए लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, जिसको मैं चॉप कर लूंगी। और मैंने लिया है कच्चा आम, इस तरीके से मैंने काट लिया है। इसको चाकू की मदद से मैं पतले पतले टुकड़े कर लूंगी। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, पर मैं इसे प्याज को चॉप करके और आम को कट करके इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए, प्याज को हम इसमें चॉप कर लेंगे। इस तरीके से चॉपर ले लेना है। इसके बाद हम प्याज को डाल देंगे इसमें, इस तरीके से रफली काट के डालेंगे, ताकि चॉप करने में हमें आसानी हो। आप आम के टुकड़े को चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आम को इस तरीके से कट कर लूंगी। देखिए, सारे आम को मैं इस तरीके से पीसेस में कट कर लूंगी, छोटे छोटे। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आम को कट कर लूंगी। तो देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और जो मैंने करेला रखा था तैयार करके। देखिए, इसमें कितना पानी निकला है। तो हमें इसे इस तरीके से हाथों से इस तरीके से निचोड़ के जब डालना है। हाथों से दबाते हुए हम डालेंगे, ताकि सारा पानी ये निकल जाए।
तो देखिए कितना पानी निकल गया है। इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो मसाला एक ही बार में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं करेले को जो है पहले फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से हमें ढक के फ्राई कर लेना है ताकि करेला भी गल जाए और फ्राई भी हो जाए। तो देखिए करेला जो है वो भुन चुका है, इतना ही हमें भुनना है, ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए सारे प्याज को। प्याज को डालने के बाद हम कुछ देर तक इसी तरीके से भून लेंगे। जैसे हम मसाला मिक्स करके बनाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा टेस्ट इस तरीके से बनाने में आता है। तो चलिए इसे भी हम कुछ मिनट तक ढक के पका लेते हैं, 1 से 2 मिनट। तो देखिए प्याज भी आधा भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक का इस्तेमाल हम उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था इसमें। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए प्याज को भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुका है, बस इतना ही हमें भूनना है। इसके बाद हम डाल देंगे आम के सारे टुकड़े। इसके साथ ही हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच हम भर के देंगे धनिया पाउडर, और 2 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ कुटी हुई, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था। आपको इसी तरह से सौंफ का इस्तेमाल करना है, जो दरदरा हो, बिल्कुल बारीक ना हो। सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आखिर में डाल देंगे सरसों का तेल। सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे, सॉरी लो फ्लेम पे पकने देना है। जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो ये अपने आप तेल जो है वो रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाएगी। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं, और ध्यान से बीच बीच में चलाना भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इस तरीके से इसे पकाते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो चुका है। देखिए अभी सही कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत हद तक ये पक भी गया है। आखिर में डाल देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है।
फ्रेंड्स, ये जो गरम मसाला है वो घर का बना हुआ है, आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो कढ़ाई जो है वो मोटे तले का लेना है और गैस का फ्लेम एकदम धीमी आंच पे पकाना है और आपको बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। और मैंने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया आप उसी तरीके से बनाएं तो किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, जितना आप भर के बनाते हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। और ये जो है आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अचार की तरह आता है। तो चलिए 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला करेला तैयार है आज सर्व करने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलते हैं अगले किसी और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।